एक ऐसा सीक्रेट जो आपके रिश्तों में आपको खुशियों से भर देगा, आपके रिश्तों को खुशियों से भर देगा, आपके रिश्ते फूलों की तरह महकने लगेंगे, आपके रिश्तों में सिर्फ खुशहाली होंगी, आपके रिश्ते ब्यूटीफुल हो जाएंगे, आपके रिश्ते हर वो चीज़ होंगे आपके रिश्तों में जो एक रिश्ते में होना चाहिए, जो आप चाहते हो। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपने पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। इस रिश्ते को खूबसूरत रखने की जिम्मेदारी मेरी है, इस रिश्ते में खुश रहने की जिम्मेदारी मेरी है, इस रिश्ते को खूबसूरती से भर देने की जिम्मेदारी मेरी है, इस रिश्ते में खुशहाली लाने की जिम्मेदारी मेरी है, इस रिश्ते में हर वो चीज़ जो इस रिश्ते को फलने फूलने के लिए ज़रूरी होता है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। जिस दिन ये थॉट आपके अंदर घर कर गया, जिस दिन इस थॉट को आपने अपने अंदर बसा लिया, समझ लेना आपके रिश्ते खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, पहले रूल को समझ लो। क्योंकि ये बात सुनते ही आपको क्या लगेगा कि वो तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा, सामने वाला कुछ ऐसा कर नहीं रहा, सामने वाले ने कोई एफर्ट नहीं किया। छोड़ो, यूनिवर्स का रूल समझो। यूनिवर्स का रूल ये है कि आपको वो नहीं मिलता जो आप मांगते हैं या जो आप चाहते हैं, आपको हमेशा वह मिलता है जो आप होते हैं। पकड़ में आई बात? तो आपको वो बन जाना है जो आप चाहते हो, आपको वो खुद के अंदर क्रिएट करना है जो आप चाहते हो। मेरा मतलब ये है कि रिश्तों में खुशियां आप लेकर आना शुरू करेंगे तो खुशियां अपने आप बाहर से अंदर आएगी। रिश्तों में आप खुश होना शुरू करेंगे तो यूनिवर्स आपको खुशियां बरसाना शुरू करेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है? स्पेशली रिश्तों में हम सब, स्पेशली फीमेल्स में, बेटा देखो इसको गलत वे पे मत लेना, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर एक भावना क्या होती है कि वो मेरे लिए ला करके देगा, वो मुझे खुश करेगा, वो एनिवर्सरी याद रखेगा, वो एनिवर्सरी में गिफ्ट ला करके देगा, बर्थडे में वो व्यवस्थाएं करेगा, अपने बर्थडे में वो व्यवस्थाएं करेगा, मेरे बर्थडे में भी वो व्यवस्थाएं करेगा, हर चीज़ वो करेगा, क्योंकि मैं तो घर से सारा कुछ कर ही रही हूँ। हमारे सोसाइटी की व्यवस्थाएँ कुछ ऐसी है कि फीमेल्स घर से नीचे से ऊपर की तरह व्यवस्थाएं कर रही होती है और मेल ऊपर से नीचे की तरह व्यवस्थाएं कर रहा होता है, तो बहुत बार मेल भूल जाता है क्योंकि वो लापरवाह होता है। गलती उसकी है, बिल्कुल है, नहीं है बल्कि नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि वो करेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी निभा रहे हैं, क्या आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, क्या आप खुशियों की खाद डाल रहे हैं, क्या आप अपना अटेंशन उसमें दे रहे हैं। आपका ध्यान जहाँ होगा उधर ही ऊर्जा बहेगी। अगर आप रिलैक्स होकर अपने रिश्तों को खुशियों में महसूस करना शुरू कर देंगे तो आपके रिश्ते अपने आप खुशियों में बदलने शुरू हो जाएंगे। और रिश्ते का सबसे खतरनाक दुश्मन है शक। शक, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपने पार्टनर को आज़ाद नहीं करते हो, अगर आप अपने पार्टनर पे शक करने लगते हो, अगर आप अपने पार्टनर को बार बार टोकते हो, तो याद रखना मेरे दोस्त, इंसान का सबसे प्रिय भाव है, हर प्राणी का सबसे प्रिय भाव है आज़ादी, स्वतंत्रता। अगर आप किसी से उनकी स्वतंत्रता छीनोगे तो देर सवेर आपसे दूर हो ही जाएगा, चाहे तन के स्तर पर हो चाहे मन के स्तर पर हो, दोनों में ही आपकी हार है दोस्त। तो स्पेशली ये मेल्स को बोल रहा हूँ क्योंकि मेल्स अपनी फीमेल्स पे बहुत शक करते हैं और उनको तन के स्तर पे और मन के स्तर पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बांधने की कोशिश करते हैं। फीमेल्स कोशिश करती हैं कभी कभी, लेकिन वो बांध नहीं पाती क्योंकि मेल्स में क्षमता ज़्यादा है शारीरिक रूप से, तो बांध नहीं पाते। लेकिन मेल अगर ये करना शुरू कर दे तो एक अपनी उसी वही कारण, क्योंकि शारीरिक क्षमता के तौर पे फीमेल उनसे कमज़ोर पड़ जाती है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बायोलॉजिकल संरचना ही कुछ ऐसी है। तो मेल अपनी ताकत के दम पे अपने शक को इस तरह से थोपता है फीमेल्स पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शक को तो पहले बाहर निकाल दो। अगर कोई इंसान आप पे चीट कर भी रहा है ना और आप उनसे प्रेम करते हो तो उनकी चीटिंग ख़त्म हो जाएगी, उनके अंदर का वो भाव जो आपसे उनको दूर लेकर के जा रहा है और किसी और के करीब लेकर के जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगी। और नहीं चाहिए तो छोड़ दो, इस तरह से दबाव मत बनाओ।
क्योंकि मन के स्तर पे वैसे भी वो आपसे दूर जा चुका है, सिर्फ तन के स्तर पे आप सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी आप दूर होगे, कभी ना कभी आप अवेलेबल नहीं होगे, कभी आप बीमार होगे, कभी आप लंगड़े होगे, कभी कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मौका आएगा कि तन के स्तर पर भी वो इंसान आपसे दूर जाएगा और किसी और से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वैसा व्यवहार किया है उनके साथ। क्यों? क्योंकि आपने उनकी स्वतंत्रता छीनी है, क्योंकि आपने उनको परेशान किया है। तो कहने का मतलब ये है, इस रिश्ते को में अगर आप खुशी चाहते हो, इस रिश्ते में आप सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, हारमोनी चाहते हो, आप अपने इस रिश्ते को फूलों से भरना चाहते हो, तो वो आप करेंगे, वो नहीं करेंगे।